हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है और एग्ज़ाम में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको 2 साल की डेटा दिए जाएंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 2019 एंड 2020 का डेटा है और यहाँ पर आपको ये दोनों डेटा के साथ ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यहां मेरे पास ये डेटा है, इसको पहले मैं अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे आपको रेडी करके दिखाती हूँ एंड देन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके उसको चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी हेडिंग में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर ending on 31st March 2019 and 2020। ये हमारा क्वेश्चन में हमें डेटा दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको ये हेडिंग दी है। अब देखिए, हमें यहाँ इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सो आई होप आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट की तरह इस डेटा को अरेंज कर लेंगे पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे आप लिखेंगे 2019 का डेटा एंड यहाँ पे 2020 का डेटा। पहले हम इन दोनों को सॉल्व आउट करते हैं एंड देन हम इसके कंपैरेटिव के तरफ चलेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स जो कि 2019 में है 10 लाख रुपए की और 2020 में है 12 लाख 50 हज़ार रुपये की। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, यहाँ पे अब सेल्स में से लिस्ट किया जाता है COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपकी हुई थी 10 लाख की, पर उस सामान को बनाने में आपका जो पैसा लगा था दैट वॉज 5 लाख रुपीज़। और यहीं पे 2020 में जो आपने 12.5 लाख की सेल की, उसको बनाने में आपको लगा 6.5 लाख रुपये। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिया, यानी कि अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कितना है, 10 लाख में से 5 लाख गया तो ये आ गया आपका 5 लाख रुपीज़। और यहाँ 12.5 लाख में से 6.5 लाख रुपये गया यानी कि 6 लाख रुपये, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट आती है बात ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो कि इस क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा दिया गया है कि कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए बेटा, कैरेज इनवर्ड भी आपको ऊपर दिया गया है। पर कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, इसीलिए कैरेज इनवर्ड का हमें इसमें कुछ नहीं करना। अगर हमें ये अलग अलग एक्सपेंसेस दिए होते तो हम यहाँ पे लेस करते वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और उसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन कैरेज इनवर्ड जो है ऑलरेडी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और यहाँ पे आपको सीधा सीधा डायरेक्ट एक्सपेंस के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए गए हैं, इसीलिए हम इसको अलग से ट्रीट नहीं करेंगे और इसको हम यहाँ पर कहीं यूज़ भी नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि है आपका 50,000 फॉर द ईयर 2019 एंड 60,000 फॉर द ईयर ऑफ 2020। तो यहाँ पे आप लिखिए इसको लेस में, यहाँ पे 50,000 एंड यहाँ पे 60,000, राइट। और मैं इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे हम बना लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं कि ये क्लैरिटी आपको मिले। ऐसे ही मत लिख के आ जाना एग्ज़ाम में, पूरा यहाँ पे अमाउंट भी मेंशन करना, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इस तरीके से कर दी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस में, यहाँ भी एक लाइन आप नीचे ड्रॉ कीजिए और इसको भी बायफ्रिकेट कीजिए। ओके, अब नाउ 5 लाख में से 50,000 आपका माइनस करेंगे सो यू विल गेट 4,50,000 रुपीज़, राइट। 6 लाख में से 60,000 आप माइनस करेंगे सो यू विल गेट 5,40,000 रुपीज़। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, आपने नेगेटिव में इसमें कर दिया, नेगेटिव इसमें से हटा दिया,
अब आपको क्या मिल गया ये, अब आपको मिल गया ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बट ये क्या है, बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, अभी इसमें से हमने टैक्स नहीं पे किया। क्वेश्चन में बोला गया है इनकम टैक्स हैज़ टू बी पेड एट द रेट ऑफ 50% फॉर द बोथ ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर 2019 एज वेल एज फॉर द ईयर ऑफ 2020। सो हियर यू विल डिडक्ट द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आउट ऑफ इट, इनकम टैक्स। ओके, 50% 50% ऑफ 450,000 इज योर 225,000, 225,000, वेरी बेसिक थिंग, यू डू नॉट हैव टू इवन यूज कैलकुलेटर फॉर दिस। एंड 50% ऑफ 540,000 इज योर 270,000, 270,000। नाउ व्हाट यू गेट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। हियर द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यू गेट इज 450,000 में से 225,000 आपने डिटेक्ट किया, सो यू विल गेट 225,000, बिकॉज 50% का टैक्स था तो आधा वहाँ चला गया, आधा बाकी प्रॉफिट बच गया। और अगेन 540,000 में से 270,000 आपने माइनस किया, सो यू विल हैव ओनली 270,000 बैलेंस विद यू, राइट। सो दिस इज, यू हैव नाउ प्रिपेयर्ड द इनकम स्टेटमेंट। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज मेन मीन्स दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इसको अगर आपने ठीक से नहीं किया तो आगे का तो गलती हो जाएगा। नाउ यू नीड टू मोर कॉलम्स, ठीक है, टू मोर कॉलम्स। फर्स्ट वन वेयर यू विल कैलकुलेट द एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, राइट। एंड नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट द इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। बच्चे लोग, व्हेनेवर यू कंपेयर योर मार्क्स एग्जाम में, लेट सपोज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स आए थे 50%, सेकेंड सेमेस्टर में आए 60%, तो अब आप ये कहोगे कि मेरे पिछले से ज़्यादा आए हैं, या ये कहोगे कि इस बार जो आए हैं उससे 10% कम मेरे पिछली बार आए थे। मतलब क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, आप यही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे ना कि पहले इतना था, नाउ इंक्रीज हुआ है कितने से, इतने से। यूजुअली हम यही करते हैं, चाहे हम मार्क्स की बात करें, चाहे सैलरी की बात करें, या किसी भी पर्टिकुलर थिंग की बात करें, तो हम पहले वाली चीज़ से कंपेयर करते हैं कि बाद में कितना आया। यार मेरी पहले वाली एक्स जो थी ना वो बहुत सही थी, ये वाली जो है ना ये तो पूरा दिन फ़ोन करके परेशान करती है, यार मेरी पहले वाली टीचर बहुत सही थी, वो अच्छे से पढ़ाती थी, ये वाला सही नहीं पढ़ाता। सो वी यूज टू कंपेयर द न्यू वन विद द ओल्ड वन, ठीक है, ये हमारे साथ होता है। सो इन द सेम मैनर वी विल कंपेयर आर न्यू डेटा विद द ओल्ड डेटा, राइट। इन 2020 आपने एक सेल्स की 12,50,000 की, बट इन 2019 आपने सेल की थी 10 लाख रुपीज़ की, मीन्स पहले से अब कितना इंक्रीमेंट है, 250,000 का। सो देयर इज अ एब्सोल्यूट चेंज ऑफ 250,000, राइट। नाउ इसके साथ साथ मैं आपको परसेंटेज का भी कैलकुलेशंस दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो है नॉर्मली वो अभी से ही ठीक से समझ आ जाए। सो लेट मी ओपन माई कैलकुलेटर, चलो कैलकुलेटर ओपन हो गया। नाउ 250,000 रुपीज़ जो है ये आपका चेंज है, 250,000, और किसके कंपैरिजन में चेंज है, 10 लाख के कंपैरिजन में। सो वंस 100,000, 10,000, लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ठीक है, इंटू 100, इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द परसेंटेज। सो दिस इज 25%, यू डो नॉट हैव टू शो द परसेंटेज, परसेंटेज साइन, बिकॉज यहाँ पे हमने उसको ऊपर ही शो कर दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे शो नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, बिकॉज आपने ऊपर शो कर दिया इन परसेंटेज, राइट। नाउ हियर 650,000 अब आपका COGS है, जो कि पहले 5 लाख था। सो एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है, 1,50,000 का, यानी कि 1.5 लाख का। सो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख रुपीज, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाय इंटू योर 100, इट मीन्स 30% चेंज आपका आया है एब्सोल्यूट यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आ गया 30%, राइट। अब फटाफट मैं इसको पहले इधर चेंज का यूज़ कर लेती हूँ एंड देन परसेंटेज देखेंगे। सो यहाँ पे है पहले 5 लाख, अब ये हो गया है 6 लाख, तो यहाँ पे कितना चेंज है, 1 लाख का। सो यहाँ पे 1 लाख 50,000 था, अब 60,000 हो गया है यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि 10,000 का चेंज है। 4,50,000 पहले आपका नेट प्रॉफिट आ रहा था, अब आ रहा है 5,40,000, इट मीन्स ये 90,000 का चेंज है, 90,000 का चेंज है। पहले आ रहा था 225,000 और अब आ रहा है 270, यानी 20 यहाँ पे आपका आ जाएगा 45,000 का, ठीक है, 45,000 का चेंज।
और वही नेट प्रॉफिट अगर आप देखें आफ्टर टैक्स तो वो आपका चेंज आ गया यहाँ पे 45,000। आई होप दिस इज़ क्लियर। कुछ नहीं किया, बस इसमें से इसको जो है माइनस कर दिया, 270,000 में से 225,000 माइनस किया 45,000, अगेन 270,000 में से 225,000 45,000, 540,000 में से 450,000 को माइनस किया 90,000। आई होप दिस इज़ क्लियर। नथिंग इंपॉर्टेंट, नथिंग रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब परसेंटेज पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे 1 लाख का चेंज आया है और पहले कितना था 5 लाख का। सो 1 लाख का चेंज है और अगर आप इसको 5 लाख से डिवाइडेड करोगे तो इसमें आपको 20% का जो है एक एब्सोल्यूट चेंज दिखेगा। सो दिस इज 20%। नेक्स्ट इज 10,000 और 50,000, ये भी आपका 20% ही है, पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है, इंटू 100, यहाँ भी आपका 20%। नेक्स्ट यहाँ पे है 90,000 और 450 आपका स्टार्टिंग था, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, तो ये भी आपका क्या है 20%, ये भी कितना है 20%। नेक्स्ट 45,000 डिवाइडेड बाय 225,000 इंटू 100, ये भी आपका है 20%, एंड ये भी सेम अमाउंट है इसलिए यहाँ भी 20% आएगा। तो ये मैं आपको अलग से कैलकुलेशन नहीं दिखा रही, बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई आई हैव रिटन द सेम अमाउंट, राइट। सो दिस इज द वे यू प्रिपेयर योर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें आप आराम से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो बेटा, बस आपको ईजिली जो है यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही बनानी है। कई बार आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी बन के मिल जाएगा। ईजी बन के कैसे, कि आपको प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट में ही ये पूरा वैल्यू मिला होगा, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको अलग अलग दिया है, बट हो सकता है आपको बैलेंस शीट दे दी जाए, हो सकता है आपको इनकम स्टेटमेंट दे दी जाए, और वो प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट के तरीके से ही सजा करके दी जाए। उसमें आपको जो है इनकम स्टेटमेंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एब्सोल्यूट चेंज निकालना है एंड परसेंटेज निकालना है। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिख सकता है। सो आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।